अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर रज़ा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमें अपने घर में कौन सा वाटर पम्प लगाना चाहिए, डीसी वर्म पम्प लगाना चाहिए या फिर डीसी डंकी पम्प लगाना चाहिए। डीसी वर्म पम्प में कौन सा कंपनी बेस्ट है, इसी तरह हमें डंकी पम्प में कौन सी कंपनी का डंकी पम्प लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दो वाटर पम्प हैं, एक डंकी पम्प है और यहाँ पर हमारे पास वर्म पम्प है। इन दोनों पंप का सक करने का अमल जो है एक जैसा होता है। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमें अपने घर में डंकी पंप लगाना चाहिए या फिर वर्म पंप लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लाइन का पानी खींचना चाहते हैं तो आपको डंकी पंप लगाना चाहिए। अगर सिर्फ आप ज़मीनी टंकी से पानी खींच के छत वाली टंकी को भरने के लिए पंप लेना चाहते हैं तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वर्म पंप ले लें। वर्म पंप में भी दो किस्म होते हैं, एक एसी होता है, एक डीसी होता है। यहाँ पर जो हमारे पास वर्म पंप है ये डीसी वर्म पंप है। जिस तरह से डंकी पंप में भी दो किस्म होते हैं, एक एसी होता है, एक डीसी होता है, पंप सेम यही होता है, जैसा कि इसके ऊपर डीसी मोटर लगी हुई है। डीसी पंप लगाने से ये डीसी डंकी पंप बन जाता है और इस मोटर को उतार के हम एसी मोटर लगा दें तो ये एसी डंकी पंप बन जाता है। इसी तरह वर्म पंप है, वर्म पंप पे अगर डीसी मोटर लगी हुई होगी तो डीसी पर चलेगी और अगर एसी होगी तो एसी पर चलेगी। अगर हम कंपनी वाइज बात करें कि हमें कौन सी कंपनी का डंकी पंप लेना चाहिए या फिर कौन सी कंपनी का वर्म पंप लेना चाहिए, तो वर्म पंप में सबसे बेहतरीन कंपनी जो है वो इस वक्त शहजाद पंप है। शहजाद पंप्स जो है वो एक फेमस कंपनी है और इसकी जो क्वालिटी का मेयार है ये दूसरी कंपनियों से अच्छा है। लोकल ब्रांड के अगर आप वर्म पंप लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा शिकायत सुनने को मिलती है। यहाँ पे जैसा कि आप ये हेड देख रहे हैं, हेड के अंदर वर्म होता है और अक्सर जो है वर्म खुल जाता है। इसमें फॉल्ट बहुत कम देखने को मिलता है, सिर्फ वर्म का ही फॉल्ट होता है। वर्म खुल जाने की सूरत में जब आप उल्टा लगाते हैं, इस मोटर को गलती से उल्टा चला देते हैं, यानी इसकी वायर को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में लगा देते हैं तो उस वक्त इस मोटर का रोटेशन उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका अंदर का वर्म खुल जाता है। वर्म खुलने की वजह से फिर ये मोटर वर्किंग नहीं करता है। तो हमें क्या करना होता है, इसके हेड को खोल के वर्म को दोबारा से लगा देना होता है। इसके हेड को खोलना और बंद करना निहायत ही आसान है और इसकी रिपेयरिंग बहुत ही ईजी है। लोकल ब्रांड का जो वर्म पंप होता है उसका ये बॉडी जो है वो बहुत कमज़ोर बना हुआ होता है, उसका गेज जो है बहुत पतला होता है, वो जगह जगह से टूट जाता है। अगर हम किसी वजह से इस हेड को खोलते हैं और इसके बोल्ट को टाइट करते हैं, उस सूरत में अक्सर देखा गया है कि लोकल ब्रांड का जो वर्म पंप है वो यहाँ से टूट जाता है। वर्म पंप लेते हुए आपको इसी बात का ख्याल करना होता है कि उसकी बॉडी जो है वो मजबूत हो, उसका गेज मोटा हो, क्योंकि वर्म पंप में ज़्यादातर टूट फूट की शिकायत सुनने को मिलती है। मैंने शहजाद पंप में ये चीज़ देखा है कि इसकी बॉडी भी अच्छी होती है, इसके अंदर जो मोटर डली हुई है मोटर भी सही होती है और दूसरा इसका वर्म भी अच्छा डला हुआ होता है और इसका बॉडी का गेज मोटा होता है। तो मैं लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आप वर्म पंप लेना चाहते हैं तो शहजाद पंप लें। वर्म पंप और डंकी पंप इनकी कारकर्दगी एक जैसी है। अगर आप लाइन का पानी खींचना चाहते हैं, वाटर सप्लाई का पानी खींचने के लिए इस मोटर को लेना चाहते हैं और साथ में ये भी चाहते हैं आप छत वाली टंकी को भी भरें, तो उसके लिए आप वर्म पंप ले सकते हैं। लेकिन अगर लाइन का पानी ज़्यादा दूरी से आता है, मिसाल के तौर पर लाइन का पानी 15-20 फीट पर, फिर तो आप वर्म पंप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। लेकिन लाइन का पानी ज़्यादा दूरी पर है, यानी 100-200 फीट दूरी से आप पानी खींचना चाहते हैं, तो उस जगह के लिए डंकी पंप बेस्ट है, क्योंकि अगर वर्म पंप को आप ज़्यादा देर तक खाली चलाते हैं तो इसका वर्म ख़राब हो जाता है। डंकी पंप में यह है कि आप इसको 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी खाली में चला सकते हैं विदाउट पानी के, लेकिन वर्म पंप को आप विदाउट पानी के नहीं चला सकते। जब भी आप चलाएंगे पानी इसमें डालना पड़ेगा और दूसरा ये कि ज़्यादा देर तक आप इसे खाली नहीं चला सकते। अगर 15-20 फीट दूरी से पानी आपने खींचना है तो आप शहजाद पंप लगा सकते हैं, और अगर पानी की दूरी ज़्यादा है, 100-200 फीट दूरी पर है, तो उस सूरत में आपने डंकी पंप लगाना है। नीचे वाली टंकी से छत वाली टंकी को दूसरी या तीसरी मंजिल पर पानी भरने के लिए वर्म पंप बेस्ट होता है। इसी तरह किसी कुएं या बोरिंग से पानी निकालने के लिए शहजाद पंप बेस्ट है, लेकिन उस सूरत में जबकि आपका 50-60 फीट या 70 फीट पर पानी मौजूद हो। अगर इससे ज़्यादा गहराई पर पानी है तो उस सूरत में फिर आपका ये पंप सही वर्क नहीं करेगा। अगर 50-60 फीट, 40 फीट या 70 फीट के अंदर पानी बोर में मौजूद है या कुएं में मौजूद है, तो उसके ऊपर आप ये शहजाद पंप लगा के, वर्म पंप लगा के आसानी से पानी निकाल सकते हैं। किस्सा मुख्तसर ये है दोस्तों कि ज़्यादा दूरी से पानी खींचने के लिए डंकी पंप जो है वो बेस्ट है, और अगर आप करीब से पानी खींचना चाहते हैं, नीचे वाले टंकी से छत वाले टंकी को भरना चाहते हैं या फिर बोर में आप लगा कर पानी खींचना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्म पंप बेस्ट है। लेकिन वर्म पंप में ये आपने ख्याल करना है कि लोकल ब्रांड का वर्म पंप नहीं लेना है,
लोकल ब्रांड के वर्म पंप में बहुत ज़्यादा शिकायतें सुनने को मिलती है। वर्म पंप में एक और मॉडल भी है, जैसा कि अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये सीधा सीधा लंबा सा वर्म पंप बना हुआ है और इसके ऊपर मोटर लगी हुई है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से इसे बनाया गया है। तो ये भी पंप कामयाब है, लेकिन इसमें भी ब्रांड है। अच्छे ब्रांड की अगर आपको मिल जाती है तो सही है, लोकल ब्रांड के आपने नहीं लेना है। अगर आपके एरिया में अच्छे ब्रांड का पंप्स नहीं मिल रहा है तो बेहतर होगा कि आप डंकी पंप लगा लें। डंकी पंप और इसका कारकर्दगी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। डंकी पंप भी 50, 60 फीट, 70 फीट की बोरिंग से पानी निकाल सकता है। इसके अलावा आप ज़मीनी टंकी से भी पानी खींच के दूसरी मंजिल पे आप इसके ज़रिए आसानी से भर सकते हैं। बस ये है कि देखने में ये इसके नस्बत थोड़ा सा बड़ा लगता है, इसीलिए बाज़ लोग सोचते हैं कि हम शॉर्टकट तरीके से काम करें। दोस्तों, अब हम इन दोनों पंप को चला के बारी बारी चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन दोनों पंप का प्रेशर कैसा है। हमने डंकी पंप में भी डीसी मोटर लगाया हुआ है और ऑलरेडी इसमें भी डीसी मोटर लगी हुई है। तो अब हम इन पंप्स को चला के आपको इसका प्रेशर दिखाते हैं। दोस्तों, हमने इसमें पाइप लगा दिया है और अब इसे हम चलाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये इस वक्त डंकी पंप का हम प्रेशर आपको चेक करा रहे हैं और अब हम इस डंकी पंप को बंद करने जा रहे हैं। इसके बाद हम शहजाद पंप में यही पाइप लगा के आपको उसका भी प्रेशर चेक कराएंगे। दोस्तों, हमने डंकी पंप से पाइप निकाल के वर्म पंप में लगा दिया है। अब हम वर्म पंप को चला के चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम शहजाद पंप को चला रहे हैं और आप यहाँ पे इसका भी प्रेशर देख सकते हैं। इससे पहले हमने डंकी पंप को चलाया था, उसका प्रेशर कुछ यूँ था और ये शहजाद पंप का प्रेशर है। डंकी पंप और शहजाद पंप के प्रेशर में कोई ख़ास किस्म का फ़र्क नहीं होता है, दोनों का प्रेशर एक जैसा ही होता है। ये आपको थोड़ी बहुत जो 19-20 का फ़र्क नज़र आ रहा है वो इसके पाइप के सही टाइट ना होने की वजह से। यहाँ देखें, हमने टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे पाइप लगाया है तो ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा पानी लीक कर रहा है, तो थोड़ा बहुत एयर ये दूसरी जगह से भी ले रहा होगा, तो एयर लेने की वजह से भी इसका प्रेशर में कुछ फ़र्क आ सकता है। बज़ाहिर देखने में दोनों का पानी का प्रेशर में कोई हमें ख़ास किस्म का फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने वर्म पंप और डंकी पंप की खूबियाँ और खामियाँ अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन की हैं। अब आपने ये फ़ैसला करना है कि आपको अपने घर के लिए, अपने काम के लिए कौन सा पंप लेना चाहिए, डंकी पंप लेना चाहिए या फिर वर्म पंप लेना चाहिए। सो फाइनली मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मिस्टर रजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।